हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। कक्षा 5 के बच्चों को बांदा जिलाधिकारी का नाम नहीं पता, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और ना ही प्रधानमंत्री का नाम पता है। क्या पढ़ाई हो रही है? एक टीचर कक्षा 1 से 5 तक अकेले कैसे पढ़ाएगा? एक टीचर 2 स्कूल एक साथ कैसे देख पाएगी? बांदा में हजारों बच्चों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। क्या यह बांदा के आला अधिकारी को नहीं ज्ञान? यदि है तो बांदा जनपद के बच्चों के जीवन से ऐसा खिलवाड़ क्यों? शिक्षक दिवस पर बांदा की शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षकों की समस्याओं की पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। इन समस्याओं को देखने के बाद ये कहना गलत न होगा कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। आपको बता दें कि बांदा जनपद में 1396 प्राइमरी और 641 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन विद्यालयों में 225,324 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी 4,627 अध्यापक, प्रधानाचार्यों और 1596 शिक्षा मित्रों के हवाले है। बांदा मंडल मुख्यालय में 35 प्राथमिक विद्यालय और 11 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें कुल 45 अध्यापक प्रधानाचार्य हैं। विद्यालयों की संख्या से भी कम अध्यापक। इन विद्यालयों को संभालने के लिए 25 शिक्षा मित्र लगाए गए हैं। एक एक शिक्षा मित्र, एक एक अध्यापक कई कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसे में शिक्षा कार्य के अलावा भी इन अध्यापकों से कई अन्य काम लिए जा रहे हैं। ऐसे में कितना प्रभावित हो रहा है शिक्षा कार्य और क्या होगा बच्चों का भविष्य, ये बता रहे हैं खुद अध्यापक। आपके विद्यालय का नाम क्या है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलीगंज नगर क्षेत्र बांदा। आपको अपने प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? अच्छा, बांदा डीएम कौन है आपके? विद्यालय सदर नागर की हेड है और प्राथमिक विद्यालय गिरवाला देवी में इंचार्ज है। दो विद्यालयों का कार्यभार देख रही हैं आप, दोनों विद्यालयों में कितने क्लास लगते हैं, किस किस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? दोनों विद्यालय प्राथमिक विद्यालय दोनों में 1 से 5 तक सदर नाका में और 1 से 5 तक क्लास गिरवाला देवी में। तो मैडम यहाँ पर और टीचर स्टाफ में कौन कौन है? टीचर स्टाफ में प्राथमिक विद्यालय सदर नाका में 1 शिक्षा मित्र है और प्राथमिक विद्यालय गिरवाला देवी में 1 शिक्षा मित्र है। तो मैम एक शिक्षा मित्र के सहारे 5 क्लास कैसे चलते हैं? अब जिस तरह बेटा, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5। आपको मालूम है आज कौन सा दिन है, क्या है आज? टीचर। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? गवर्नर का? गवर्नर का? अच्छा, बांदा के जिलाधिकारी कौन है? यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद पर अटैच हूँ जी, क्योंकि यहाँ कोई प्रधानाध्यापक नहीं है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अध्यापकों को आमतौर पर शिक्षण कार्य के अलावा और क्या क्या कार्य करना पड़ रहे हैं? शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा ही सारे काम करने पड़ रहे हैं, केवल शिक्षा कार्य छोड़ के सारे काम करने पड़ रहे हैं। शिक्षण कार्य का हमारे पास कोई समय नहीं है। ये समस्या तो है कि जितने अध्यापक होने चाहिए उतने अध्यापक नहीं है, समय समय नियुक्तियां निकलती हैं, उसके तहत अध्यापक जो है सो भेजे जाते हैं और एक भर्ती अभी सामान्य न्यायालय में लंबित है, उसमें से अगर वहां से निर्धारण हो जाता है तो तत्काल जो है सो जहां खाली है जहां पर अध्यापक की आवश्यकता है वहां पर अध्यापक भेजे जाए। सर, भवनों की भी हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। हाँ, कुछ भवन जर्जर है, वहां से बच्चों को हटा करके बड़ों के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है और जो जर्जर भवन है उसके ध्वस्त करने की प्रक्रिया गतिमान है। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत दुकानदारों से पॉलिथीन इस्तेमाल न करने की शपथ दिलवा रहे सरकारी हुक्मरानों की टोली के बीच से जिला प्रशासन के एक बड़े अधिकारी ने स्वानुशासन का उदाहरण पेश किया। जिलाधिकारी हीरालाल के नेतृत्व में सभी अफसर शहर के बाबूलाल चौराहे से मेन मार्केट होते हुए महेशी देवी चौराहे तक ये काफिला निकाल रहे थे। तभी इस बीच एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने काफिले से अलग जाकर सड़क किनारे जमीन में बैठे सब्जी बेच रहे बुजुर्ग महिलाओं से सब्जी का भाव पूछा और साथ लेकर आए जूट के थैले में सब्जी भरवाने लगे। यह नजारा देख सभी चौंक गए और डीएम हीरालाल समेत पूरे काफिले को उनके सब्जी लिए जाने तक सड़क में खड़े होकर करीब 3 मिनट तक इंतजार करना पड़ा।
बाद में एडीएम ने बताया कि वह सभी इस अभियान में निकले हैं और अभी मैंने घर से लाए अपने थैले में 1 किलो सब्जी खरीदी। ऐसे खरीदारी का प्रयास सबको करना चाहिए। प्लास्टिक मुक्त अभियान को बांदा के डीएम हीरा लाल ने पीएम मोदी की तर्ज पर इसे मुमकिन है का नारा दिया है। इस दौरान सरकारी अमला पूरे तामझाम के साथ चलता रहा। व्यापारियों से शपथ पत्र भरवाए गए और छोटे दुकानदारों को जिला प्रशासन के नारे छपे कुछ झोले भी बांटे गए। जिलाधिकारी हीरा लाल ने दुकानदारों से कहा कि इस शपथ पत्र के बाद अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। इस शपथ पत्र में आप अपने हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी से वादा कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। के बारे में आए थे कहने की आज पॉलिथिन बंद करना है, कपड़े के झोलों का इस्तेमाल करना है। कोई शपथ पत्र भी आपको दिया गया था, हमने डीएम साहब को बता दिया था। पन्नी के लिए कोई पत्र दे गए थे, पन्नी आज से बंद है बिल्कुल, और जो है झोले का प्रयोग होगा। तो हम लोगों ने पन्नी बंद कर दी, हम लोगों ने पन्नी बंद कर दिया टोटल। सब जो होगा वो सब झोले में होगा, लोग झोला लेके आए और झोले लेके सामान ले, कोई भी जूस लेना या कुछ भी लेना तो बर्तन लेकर के आए। प्रशासन का ये काम कैसा लगा? बिल्कुल ठीक लगा, चौराहे में कचरा नहीं होगा और प्लस जो है बंद गाड़ी ज्यादा अच्छा है। हमको एक मतलब पर्चा दिया है और उसमें मतलब ये लिखा था कि मतलब जो है पॉलीथीन वगैरह ये जो है ना आप लें ना किसी को मतलब दें। यहाँ लिखवा के लगवा लो कि अपना अपना थैला लेके आओ, खरीदने के लिए अपना अपना थैला लेके आओ, कपड़े का थैला लेके आओ। सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत से आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही ट्रैफिक चौराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी की। जाम में फंसे वाहनों के बाहर निकलने के प्रयास में परिषद कार्यकर्ता उग्र हो गए। इस दौरान आंदोलनकारी छात्रों ने तीखी नोकझोंक के बाद कुछ वाहन स्वामियों के साथ हाथापाई करने का प्रयास किया। इस पर वहां मौजूद पुलिस बल ने हवा में लाठियां भाजना शुरू कर दिया, इससे ट्रैफिक चौराहे में भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सदर इंदु प्रकाश सिंह को परिषद के विभाग प्रमुख सुधांशु तिवारी गोलू व प्रदेश जनजाति प्रमुख आशीष कुमार ने ज्ञापन सौंपकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जाम जो है अखिल विद्यार्थी भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है लगाया गया था, वो कल दिन से एक छात्रा की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसी के लिए इन लोगों की उसको 25,000 रुपये सहायता दिलाई गई। चिल्ला पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान चोरों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर चोरी की गई 14 साइकिलें व 11 मोबाइल बरामद किए हैं। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चिल्ला थाने के दरोगा सत्येंद्र सिंह भदौरिया, दरोगा वरिष्ठ कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक शादाब खान ने पुलिस बल के साथ बीती रात गश्त के दौरान चोरों के गिरोहों को पकड़कर पूछताछ की गई, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 14 साइकिल और 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि साइकिल चोरों का गिरोह काफी अरसे से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, अब इनके पकड़े जाने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा।